हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो हम जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अच्छे से देखिएगा इस क्वेश्चन को। और कुछ लोग यदि इस वीडियो पे अभी नए आए हैं तो उन लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि अभी मेनली क्या आपके, जैसे आप जानते हो कि अभी आपके बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो मेनली अभी प्रिपरेशन चल रही है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो जिसके लिए मैंने जो सिंपल क्वेश्चन पेपर 2021 स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों को ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं, उसकी प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे दी है, वहाँ से जाके आप उन क्वेश्चनों को देख लीजिएगा। और उसके बाद अभी क्या चल रहा है प्रेजेंटली, अभी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर रहे हैं जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आ सकते हैं। और इसके साथ ही आपके थ्रू जो क्वेश्चन हमको मिल रहे हैं उन क्वेश्चनों को भी हम साथ में दे रहे हैं। तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको एक ही जगह पर मिल जाएंगे। मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, इसकी प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो वहाँ से जाके आप उन क्वेश्चनों को भी देख सकते हैं। और यदि आपको, आपका भी कोई डाउट है तो आप हमको हमारे कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम चैनल पे आप बता सकते हो, ठीक है ना। तो आज स्टार्ट करते हैं हमारा जो आज का क्वेश्चन है, इसमें देख लीजिए क्या दे रखा है इसमें। हाँ, क्वेश्चन अलग अलग दो पार्ट में दे रखा है, तो अच्छे से समझिएगा इस क्वेश्चन को। देखिए पहला पार्ट क्या है क्वेश्चन का, अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द लेफ्ट आउट एरिया। ठीक है, पहला पार्ट तो ये हो गया। नेक्स्ट पार्ट में क्या दे रखा, व्हाट विल बी द लेफ्ट आउट एरिया ऑफ द सर्कल इफ अ स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल। ठीक है, अब देखो पहली कंडीशन में इन्होंने क्या बोल रखा है हमको यहाँ पे, कि यहाँ पे क्या है, एक स्क्वायर है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे एक स्क्वायर है जिसकी साइड आपको दे रखी है 4 सेंटीमीटर, ए बी सी डी, इसके अंदर क्या एक सर्कल है। तो आपको लेफ्ट आउट एरिया यानी कि जो शेडेड एरिया आपको दिख रहा है ये एरिया निकालना है। ठीक है, और सेकंड कंडीशन में इन्होंने क्या बोला है कि आपको, देखो ये मेनली पार्ट है, इसमें आपको क्या बोला है इन्होंने, उल्टा कर दिया जैसे अपोजिट, कि अब यदि आपके पास सर्कल है और उसके अंदर कोई स्क्वायर है, जैसा कि हमने ये बनाया स्क्वायर, उसके अंदर कोई स्क्वायर है तो आपको लेफ्ट आउट एरिया यानी कि ये जो वाइट पोर्शन दिख रहा है ये आपको निकालना है। ठीक है, तो पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, तो पहली कंडीशन में हमको क्या गिवन है, सबसे पहले वो लिख लेते हैं हम यहाँ पे। देखो हमको क्या गिवन है, इन्होंने क्या दे रखा, साइड ऑफ स्क्वायर दे रखी है, ओनली साइड ऑफ स्क्वायर। साइड ऑफ स्क्वायर कितनी दे रखी है हमको, 4 सेंटीमीटर। अब देखो दो कंडीशन है यहाँ पे, पहली कंडीशन में हमको क्या दे रखा है, व्हेन सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर। ठीक है, पहली कंडीशन में यदि हमारा सर्कल क्या है, स्क्वायर के अंदर है, तो अब उसके लिए हमको क्या चाहिए, आपको लेफ्ट आउट एरिया निकालना ये वाला, लेकिन आपको क्या चाहिए रहेगी, रेडियस भी चाहिए रहेगी, किसकी, ये हमारा सर्कल है उसकी। तो देखो अगर हम देखें तो ये जो सर्कल है टच कर रहा है बिल्कुल साइडों को, है ना। तो यदि देखा जाए तो ये क्या जो रहेगा, ये वाला जो रहेगा इसका डायमीटर रहेगा सर्कल का, है ना, और यही क्या है इसकी साइड है सर्कल की। तो अगर डायमीटर को क्या कर दें, हम हाफ कर दें, तो रेडियस निकल जाती है ना। तो रेडियस, जैसे मैं यहीं पर लिख देता हूँ उसको, रेडियस ऑफ सर्कल क्या हो जाएगी, देखो पूरा हमारा 4 है तो 4 का हाफ कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। तो ये हो गई रेडियस उसकी। तो अब डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं, सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन स्क्वायर, सो लेफ्ट आउट एरिया डायरेक्टली निकाल देंगे। हम क्या करेंगे, स्क्वायर का जो एरिया, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इनटू साइड, इसमें से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे किसके एरिया को, एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, तो देखो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, साइड इनटू साइड यानी कि 4 इंटू 4 माइनस हो जाएगा हमारे पास क्या, ये जो हमारा सर्कल का, सर्कल का रेडियस हमको दे रखी 2। अब पाई की वैल्यू हमको यूज़ करेंगे हम यहाँ पे, तो पाई आर स्क्वायर होता है, पाई की वैल्यू यूज़ करेंगे 3.14 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, यानी कि हम लिख सकते हैं इसको 2 इंटू 2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, 4 4 जो हो जाएगा 16। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, 3.14 और 2 इंटू 2 को हम करेंगे, 2 2 जा कितना हो जाएगा यहाँ पे 4। अब सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कर ले, तो 16 का 16 माइनस 4 4 जा हो जाएगा 16, कैरी 1, 4 1 जा 4 5 और यहाँ पे हो जाएगा 4 3 जा 12। ठीक है, अब ये 4 3 जा 12 हो गया, यानी कि यहाँ से अब जब 16 और 12.56 को यदि हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा क्या, 3.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो हो जाएगा आपका पहली कंडीशन में, ये जो एरिया है वो इजीली निकल गया। अब बात हमको मेनली देखना है, अब हमको सेकंड कंडीशन में क्या, सेकंड कंडीशन में हमने देखा कि अब क्या है, सर्कल के अंदर हमारा स्क्वायर है,
ठीक है। अब सर्कल के अंदर ही स्क्वायर है, तो अब हम क्या करेंगे, सर्कल के एरिया में से ये वाले स्क्वायर के एरिया को माइनस करेंगे। तो उसके लिए हमको सर्कल की रेडियस चाहिए, सर्कल की रेडियस हमको दे रखी है 2 सेंटीमीटर। अब हमको क्या चाहिए रहेगा, ये जो वाला जो स्क्वायर है इसकी हमको चाहिए साइड। अब साइड हमको नहीं मालूम है यहाँ पे, तो सबसे पहले हम साइड निकालेंगे। ठीक है, हम सबसे पहले लिख देते 4। सेकंड सिचुएशन, रेडियस तो हमको मालूम सर्कल के, हम निकालेंगे साइड, साइड ऑफ स्क्वायर। तो साइड ऑफ स्क्वायर कैसे निकालेंगे वो आप देखिए, है ना। तो साइड ऑफ स्क्वायर हमारी क्या होगी, देखो उसके लिए मैं आपको एक अलग से बता देता हूँ। देखो ये हमारे कह रही थी रेडियस थी, तो रेडियस ये पूरा क्या हो गया, डायमीटर। तो ये क्या हो गया, एक डायमीटर हो गया, डायमीटर 2 + 2 यानी कि 4 हो गया था। अब हमको मालूम है कि स्क्वायर की जो साइड होती है क्या होती है, इक्वल। जैसे फॉर एग्जांपल साइड क्या हो गई, x हो गई, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके निकाल सकते हैं। तो हमारे पास क्या होता है, जो हमारा हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 4 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा हमारा, 2x स्क्वायर। इधर हो जाएगा हमारा 16, यानी कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 से डिवाइड होकर 8, यानी एक्स की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, √8 आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो सिंपली इस टाइप में हमारी साइड निकल जाएगी। तो साइड ऑफ स्क्वायर कितनी हो जाएगी हमारे पास, √8। ये आप शो भी कर सकते हो यहाँ पे। तो साइड ऑफ ये निकल गई हमारी, अब इजीली हम निकाल सकते हैं, ठीक है, है ना। वैन अब हमारे पे सेकंड कंडीशन में आ स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड द सर्कल, ठीक है, सेकंड कंडीशन में। सो लेफ्ट आउट एरिया कितना हो जाएगा, अब हम क्या करेंगे सर्कल का, तो सर्कल का क्या हो जाएगा, 3.14, हम क्या करेंगे 2 × 2 माइनस में, अब इसका करेंगे तो साइड इंटू साइड, यानी कि √8 × √8 हो जाएगा। अब इसको तो हम अभी सॉल्व कर चुके हैं, कितना आया था हमारा 12.56, और रूट यहाँ से क्या, अगर रूट से रूट कैंसिल होकर क्या बचेगा, यहाँ पे 8 बचेगा। तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 12 में से हम डायरेक्टली 8 को माइनस करते हैं तो हमारे पास बचेगा 4.56 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये सेकंड कंडीशन के लिए आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों सिचुएशन आपकी इजी थी, है ना, आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हो। यदि आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।